क्या आप पेट की बीमारी से परेशान हैं? आपको खाना पचता नहीं है, आप खाना खाते हैं तुरंत आपको मोशन जाने की इच्छा होती है, आपका पेट फूल गया है, आपके पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, ऐसी दिक्कतें होती, आपने बहुत सारे टेस्ट करा लिए लेकिन आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, आपको काफ पसल में पेन रहता है या आपको इस वाले भाग में हैवीनेस बनी रहती है, आपको नाभि के आसपास ऐसा लगता है कि वहां इंफ्लामेशन हो गई है, वहां आपको एक दर्द महसूस हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको नाभि की समस्या हो गई हो सकता है कि आपको लोअर एब्डोमेन में जो पेन है, आपको नलों की समस्या हो गई हो, या आपको इस वाले पोर्शन में हैवीनेस रहती है, आप खाना खाते खाना ऐसा लगता है गले में फंस गया, ऐसा लगता है कि नीचे खाना उतर नहीं रहा, या जब आप सुबह सोकर उठते आपको मुंह में खट्टा पानी जैसा महसूस होता है, आपकी खाने की इच्छा नहीं होती, आपकी भूख बहुत ज्यादा कम हो गई है, आपको खाना खाने के तुरंत बाद पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है कि आपके पेट में हवा भर गई है, जब आपको गैस पास होती है मुंह के रास्ते तो ऐसा खट्टापन जैसा महसूस होता है, या आपको लैट्रिन के रास्ते से गैस पास होती है तो उसमें बहुत ज्यादा स्मेल होती है, आपको हेडेक रहता है, आपको टेंशन निरंतर बनी रहती है, और सबसे बड़ी बात आपकी बीमारी किसी रिपोर्ट में नहीं आती, डॉक्टर कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप बहुत परेशान है, हो सकता है आपको नाभि नली पौड़ी धारण की समस्या हो गई हो लेकिन आपको चेक करना नहीं आता, जहां आप रहते हैं आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ये चेक करके बता सके कि आपको नाभि नली पौड़ी धारण की समस्या हुई है या नहीं, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ नाभि नली पौड़ी धारण की समस्या हुई है तो कैसे हम खुद अपनी और किसी दूसरे व्यक्ति की भी चेक करना सीख सकते हैं, तो आइए जानते हैं कैसे करें हम नाभि नली पौड़ी धारण को चेक। आइए, नाभि चेक करने का सबसे पहला और मुख्य तरीका, दोनों हाथ को इस प्रकार से पकड़ना है और ये पीछे वाली जो रेखाएं हैं सबसे पहले हमें ये मिलानी आपस में, उसके बाद ये वाली रेखाएं मिलनी चाहिए और उसके बाद ये उंगलियों की सारी रेखाएं आपस में मिलनी चाहिए, जिस व्यक्ति की ये सारी रेखाएं आपस में मिलती हैं इसका मतलब इस व्यक्ति की नाभि ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश हमने कुछ व्यक्ति की ये रेखाएं तो मिलाई, ये तो मिल गई लेकिन ये वाली रेखाएं नहीं मिल पा रही होती, ये देख रहे ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, अगर किसी व्यक्ति की इस तरह से ये रेखाएं आती है इसका मतलब इनकी नाभि ठीक नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी। पेशेंट के पैरों की तरफ इस प्रकार से बैठते हैं, सबसे पहले एड़ी को आपस में मिलाना है, उसके बाद ये वाली जो बोन होती है इनको आपस में मिलाना है, उसके बाद अंगूठे आपस में मिलने चाहिए, यानी कि इन दोनों अंगूठों की दूरी समान आनी चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश कुछ लोगों की हम देखते हैं एड़ी हमने मिला ली लेकिन अंगूठों में अंतर आता है, इस प्रकार से अंगूठे छोटे बड़े आते हैं, जिस व्यक्ति के अंगूठों में अंतर है छोटे बड़े है इसका मतलब इस व्यक्ति की नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है, नाभि अपनी जगह से हटी हुई। हमें कोई धागा लेना है, धागे का एक छोर नाभि के अंदर रखना है इस प्रकार से और नाभि के डिस्टेंस को नापना है, जितनी दूरी इस निप्पल की आ रही है उतनी दूरी इस निप्पल की आनी चाहिए, अगर इन दोनों निप्पल की दूरी समान आती है इसका मतलब इस व्यक्ति की नाभि बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की जब हम नाभि चेक करते हैं इस प्रकार से तो इसकी दूरी इतनी आती है लेकिन इस निप्पल की दूरी इतनी आती है, यानी कि नीचे की साइड में आती है, अगर दोनों निप्पल में नाभि से चेक करने पर पता चला कि इनमें अंतर आ रहा है इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है, अगर सेट होती तो दोनों निप्पल की दूरी समान आनी चाहिए थी। एक अगला तरीका, सारी उंगलियों को इकट्ठा करना है, नाभि के सेंटर में रखना है, जब हम इस प्रकार से नाभि में अपनी उंगलियों को इकट्ठा करके रखते हैं तो हमें एक लपटप लपटप जैसा साउंड सुनाई देता है, अगर वो हमें सुनाई दे रहा है इसका मतलब इस व्यक्ति की नाभि बिल्कुल ठीक है, कई बार वो साउंड हमें सुनाई नहीं देता फिर हम नीचे दबाकर देखते हैं तो हमें ये साउंड नीचे की ओर सुनाई देता है इसका मतलब नाभि नीचे चली गई, अगर साउंड ऊपर की ओर सुनाई दे रहा है इसका मतलब नाभि ऊपर चली गई, अगर राइट साइड में सुनाई दे साउंड तो राइट साइड, और लेफ्ट में अगर वो साउंड सुनाई दे रहा है लपटप लपटप जैसा तो लेफ्ट साइड में चली गई, जिस व्यक्ति की नाभि ऊपर चली जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नीचे चली जाती है तो डायरिया, अगर लेफ्ट राइट में नाभि चली जाती है तो ऐसे लोगों को गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इस आधार पर हम नाभि को चेक। दोस्तों अभी आपने नाभि नले पौड़ी धारण की समस्या को चेक करना सीखा, बहुत आसान तरीका है, आप खुद अपनी चेक कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की चेक कर सकते हैं, और अगर आपने पाया कि इनको नाभि नले पौड़ी धारण की समस्या हो गई है, क्योंकि ये समस्या ऐसी जैसे मैंने बताया किसी
रिपोर्ट में आती नहीं है, कोई डॉक्टर मानते नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर से कहेंगे कि मुझे नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या होगी तो कहेंगे कि नहीं, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन दोस्तों ऐसी बीमारी होती है, अगर आपने ये पाया कि इनको या आपको स्वयं को ये बीमारी हो गई है तो समय रहते हुए आपको इस समस्या का उचित इलाज करा लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पर बने उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहेगा।